उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा कल संपन्न हो गई है। अब देखिए, इस भर्ती परीक्षा के लिए योगी सरकार ने जो कड़े इंतजाम किए थे वो सफल साबित हुए हैं, क्योंकि एक परिंदा भी पंख नहीं मार सका है। सीएम योगी ने साफ लफ्जों में कहा था, जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते ये परीक्षा कराई जानी है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा और उनकी संपत्ति को भी बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता देते हैं कि 5 दिनों तक चली परीक्षा में 30% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। 5 दिनों में 71 FIR दर्ज की गई है, 86 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। परीक्षा के दौरान यूपी पुलिस और STF के जवान परीक्षा सेंटर के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए हुए थे, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी संभव ना हो सके और अगर हो तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो परीक्षा सकुशल खत्म होने पर शासन प्रशासन ने राहत की सांस ली है। छात्रों का कहना है कि पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा हुई है। साथ ही ये भी बताएं आपको, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने परीक्षा भर्ती परीक्षा के दौरान बसों की व्यवस्था की थी, उससे काफी ज्यादा अभ्यर्थी सहूलियत महसूस करते हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है इनका। बहुत ही अच्छा काम किया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, और ये फ्री सेवा की है बस, तो उसमें जो है बहुत ही अच्छा रहा है। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा काम किया है ये। आपके जो है कोई धांधली वगैरह चल रही है, बहुत अच्छी तरीके से परीक्षा चल रही है। कड़ी सुरक्षा की दृष्टि से परीक्षा कराई जा रही है। ये सब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ही संभव है। अब की जो कि पूरी सुरक्षा कर दी है बच्चों की, और जो योग्य बच्चे हैं जो पढ़ लिख के आ रहे हैं, आज अब की उन्हें चांस मिलेगा, जैसा कि पहले नहीं हो पाया था। और यूपी सरकार ने जो है कि बच्चों के लिए अच्छी सुरक्षा भी की है, जो कि किराया फ्री कर दिया है बच्चों का बस में और ट्रेन में, जिसके लिए हम काफ़ी खुश हैं। और जो बच्चे योग्य हैं अब के उनको चांस मिलेगा इसलिए। और यहाँ पर यूपी सरकार ने आने जाने के लिए फ्री सुविधा उपलब्ध कराई हुई है। इस बार भर्ती होने की संभावना 100%। मैं मेरठ से आई। योगी जी ने ये बहुत अच्छा किया है कि जहाँ से भी बच्चे आ रहे हैं किसी को परेशानी ना हो, इसलिए बसों की व्यवस्था जो है फ्री कर दी है। ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे कि भी परीक्षाएं लीक हुई थी उनको रद्द करके फिर दोबारा ही 6 महीने के अंतराल में बहुत जल्द परीक्षा कराई है सरकार ने, बहुत अच्छा कार्य किया। को यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा खत्म हो गई। परीक्षा के खत्म होने पर सीएम योगी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। क्या कह रहे हैं जानिए। पुलिस के 60,200 से अधिक पदों के लिए आयोजित परीक्षा निष्पक्ष पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इसके लिए अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई। सकुशल संपन्न कराने में सहयोगी सभी जनों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और पुरोन्नति बोर्ड और सभी जिला प्रशासन को हृदय से धन्यवाद। 60,000 से अधिक पुलिस चयन प्रक्रिया में 15,000 से अधिक बेटियां भी भर्ती होंगी। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व सुशासन का मॉडल और अधिक समृद्ध होगा। सीएम योगी आज वाराणसी के दौरे पर रहने वाले हैं। इस पर आपको जानकारी दे देते हैं कि सुबह 11 बजे वाराणसी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर बैठक करने वाले हैं। सीएम योगी यहां काल भैरव और विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करने वाले हैं। सीएम योगी वाराणसी में BJYM के कार्यशाला में शामिल होने वाले हैं। आज सीएम वाराणसी के बाद चंदौली भी जाएंगे, इस पर भी आप जानकारी लीजिए। दोपहर 3 बजे उनका चंदौली जाने का कार्यक्रम है। यहां सीएम योगी बाबा किनाराम के जन्मोत्सव समारोह में शामिल होने वाले हैं। बाबा किनाराम का 425वां जन्मोत्सव है जहां कार्यक्रम हो रहा है, और मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे। रामगढ़ इलाके में बाबा किनाराम का आश्रम है, सीएम योगी पहुंचेंगे यहां पर। पूजा के बाद भंडारे के कार्यक्रम में भी सीएम शामिल होंगे।